गाइस क्या आप जानते हैं डोंट और डू नॉट में क्या फर्क होता है? अब आप कहेंगे कि हमें इतना भी नहीं पता है, इसी डू नॉट को ही तो शॉर्ट में डोंट बोला जाता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप बिल्कुल सही है, यू आर राइट। बट अमेरिका की एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डू नॉट और डोंट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों के मीनिंग भी अलग अलग होते हैं, दोनों का यूज भी अलग होता है। ये बात यहाँ पे नहीं सिखाई जाती है, ये बात विदेशों में सिखाई जाती है, जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको दोनों के डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि डू नॉट और डोंट का यूज कब किया जाता है। तो गाइस मेरा नाम है मुजीब और आप मुझे देख रहे टेथर ऑफ नॉलेज पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं आपको इनके हिंदी मीनिंग के बारे में बता दूं, जो आप भी जानते होंगे। डू नॉट का मतलब होता है मत करो, ओके, और डोंट का मतलब भी होता है मत करो। लेकिन अमेरिकन की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, ये जो डोंट है इसका मतलब होता है मत करो, ये यूज किया जाता है टेम्परेरी के लिए, मना करने के लिए। टेम्परेरी किसी को कुछ करने से मना करने के लिए हम यूज़ करते हैं डोंट, और डू नॉट यूज़ किया जाता है परमानेंट, किसी को कुछ काम करने से रोकने के लिए, मना करने के लिए। इसका मतलब होता है करना मना है, मतलब करना मना है, मतलब कि कभी नहीं। तो परमानेंट किसी को रोकने के लिए, कुछ करने से मना करने के लिए यूज़ किया जाता है डू नॉट, और टेम्परेरी किसी को कुछ काम करने से रोकने के लिए, इट मीन्स मना करने के लिए यूज़ किया जाता है डोंट। हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और उनके डिफरेंस को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ डोंट लाफ, इसका मतलब क्या होगा? हंसो मत। तो ये मैं आपसे आपको टेम्परेरी हंसने के लिए मना कर रहा हूं। यदि आप हंस रहे हैं और ये सी आ रही है, या मैं कहीं पर हूं और कुछ लोग हंस रहे हैं और मैं इनको मना कर रहा हूं, मैं अगर उनसे कहता हूं डोंट लाफ, तो डोंट लाफ का मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे हमेशा के लिए मना कर रहा हूं कि कभी मत हंसना, हमेशा रोते रहना, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं डोंट लाफ तो मतलब कि अभी मत हंसो, मैं उनको टेम्परेरी मना कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं या मैं किसी से कहता हूं डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक, तो डू नॉट स्मोक का मतलब होगा सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो। तो ये यहाँ पे टेम्परेरी नहीं है, मैं परमानेंट के लिए मना कर रहा हूँ कि सिगरेट कभी मत पीना या सिगरेट पीना मना है। डू नॉट स्मोक तो इसका मतलब होगा सिगरेट मत पियो, मतलब कि सिगरेट कभी मत पियो, सिगरेट पीना मना है। तो ये बात परमानेंटली रोकने के लिए कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट का यूज़ किया जा रहा है। और टेम्परेरी मैंने आपको अभी बताया था, जैसे मैंने कहा था डोंट लॉफ तो मतलब कि हंसो मत, ये टेम्परेरी किसी को रोकने के लिए कही जा रही है अगर कोई हंस रहा है। इसको और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मैं किसी से कहता हूं डू नॉट अब्यूज, मतलब कि गाली मत बको, मतलब कि गाली बकना मना है, डू नॉट अब्यूज, तो ये टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट के लिए मना किया जा रहा है। यहां पे हम यूज कर रहे हैं डू नॉट का। और इसी तरह से अगर मैं कहता हूं डोंट प्ले, डोंट प्ले मतलब क्या होगा? खेलो मत, तो डोंट प्ले खेलो मत, लेकिन खेलो मत किसके लिए? ये टेम्परेरी मना किया जा रहा है, टेम्परेरी के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डोंट प्ले, मतलब के खेलो मत। इसी तरह से आपने पब्लिक प्लेसेस पे देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, वहां पे लिखा होगा डू नॉट स्पिट हेयर, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ थूकना मना है। जी हाँ, यहाँ थूकना मना है, डू नॉट स्पिट हेयर, तो स्पिट मतलब होता है थूकना। तो आपने कहीं पर भी देखा होगा, ट्रेन के अंदर देखा होगा या पब्लिक प्लेस पे आपने देखा होगा, स्टेशन पे, तो यहाँ पे जो लिखा रहता है आपने इसको नोटिस किया होगा डू नॉट स्पिट हेयर। अब वहां पे आपने देखा होगा वहां पे डोंट नहीं लिखा रहता, डोंट स्पिट हेयर नहीं मिलेगा आपको, वहां लिखा मिलेगा डू नॉट स्पिट हेयर, मतलब यहां पे थूकना मना है, यहां मत थूको। तो ये परमानेंट मना किया जाता है थूकने के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर कहे डोंट स्पिट हेयर यहां पे मत थूको, बाद में थूकना और बार बार आप थूकते रहो वहां पे उस जगह पर, ऐसा नहीं है कि फिलहाल यहां पे मना कर दिया कि डोंट स्पिट हेयर यहां पे मत थूको और उसके बाद फिर आप वहां पे थूक सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वहां पे डू नॉट लिखा जाता है, डोंट नहीं लिखा जाता है। जी हां, नोटिस कर लीजिएगा, आप इसको देख सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, आप नोटिस करेंगे तो वहां पे इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके, आई होप दैट आप जान चुके होंगे कि डू नॉट और डोंट का यूज किस कंडीशन में किया जाता है। ये अमेरिका की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बात आपको अजीब लग रही होगी, स्ट्रेंज लग रही होगी, क्योंकि ये बात यहां पे नहीं बताई जाती है, ये बात विदेशों में बताई जाती है। लेकिन आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इनकी डिफरेंस के बारे में। अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं आप बात कर रहे हैं या मैं क्लास में हूं, क्लास ले रहा हूं, तो स्टूडेंट से अगर मैं बोलता हूं डोंट टॉक, डोंट टॉक का मतलब क्या है कि बात मत करो, डोंट टॉक बात मत करो, लेकिन ये डू नॉट यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए डू नॉट यूज नहीं किया, डोंट टॉक मतलब कि बात मत करो, टेम्परेरी रोका जा रहा है, टेम्परेरी मना किया जा रहा है बात करने के लिए। यदि क्लास में ऐसे भी कहा जाता है डोंट मेक अ नॉइस, मतलब कि शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस शोर मत करो, लेकिन अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए डू नॉट मेक अ नॉइस तो शोर कभी मत करना, ये परमानेंट के लिए मना कर दिया है, डू नॉट मेक अ नॉइस तो शोर कभी मत करना। ओके, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो डोंट है, डोंट का यूज किया जाता है टेम्परेरी, किसी को कुछ काम करने से मना करने के लिए, रोकने के लिए, जिसका मतलब होता है मत करो। ओके, टेम्परेरी के लिए यूज करते हैं डोंट, और डू नॉट का यूज किया जाता है परमानेंट, किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए, मना करने के लिए, जिसका मतलब होता है करना मना है। जी हाँ,
करना मना है या कभी मत, ओके करना मना है या कभी मत, तो वहां पे हम यूज करते हैं डू नॉट का। आई होप दैट ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप जान चुके होंगे इस डोंट और डू नॉट के बीच का डिफरेंस। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।